गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं सब अच्छे होंगे। आज तारीख है 28 नवंबर और इस समय टाइम हो रहा है करीब रात के 10:15। भाई अभी पापा का फ़ोन आया है कि एक फैमिली ट्रिप प्लान हो रही है, तूने आना है या नहीं? मैंने कहा मैं आ रहा हूं, सामान मेरा सारा पैक हो चुका है आप देख सकते हो। और भाई फैमिली ट्रिप प्लान हो रही है, वो भी पहाड़ों की, भीमताल या नैनीताल जाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, 1 या 2 दिन की ट्रिप है। आपको भी मैं इस ट्रिप पर लेके चलता हूँ, अपने साथ घुमाता हूँ वहाँ की वादियाँ, मज़ा आ जाएगा। भाई जैसे राहुल को बताया मैं जा रहा हूँ तो बार बार आगे पूछ रहा है, बात बता कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। ये तो आपको और मेरे को ही पता है, इसको तो यही पता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये हॉस्टल। जा रहा हूँ भाई, रो क्यों रहा है? अरे भाई जा रहा हूँ, सच्ची जा रहा हूँ। अरे छोड़ के जा रहा हूँ यार, कैसी बातें कर रहा है तू? देख नहीं रहा तू कितना सामान मैंने सारा सामान अपना पैक कर लिया? देख ये बंद करिए झूठ मूठ का नाटक तेरा सब। गाइज स्पेशल असिस्टेंट आए हैं बिहार से हमारा बैग छोड़ने के लिए। ये वहाँ से एमपी से, ये नोएडा से, और ये राजस्थान से, हरियाणा, सॉरी गलती मुंह से निकल गई, वहाँ तक जाएंगे हम। भाई यहाँ से ई रिक्शा ले लिया, साथ में भैया भी है मनोरंजन के लिए। भैया ढोल लेके बैठे हैं, बजाओगे भैया ढोल? कहाँ से आ रहे हो? शादी से। भाई मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद मेट्रो पकड़ के जल्दी से बस पकड़ते हैं और चलते हैं आगे। इस टुक टुक ने तो उतार दिया है, मतलब ई रिक्शा ने, और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया। आप लाइटों के पास कोहरा देख सकते हो, ओस, पता नहीं यार कैसे होगा ये सफ़र। और बस भी पता नहीं मिलती है नहीं मिलती है, रोडवेज में जाना पड़ेगा। देखो जैसा भी है जाना तो है ही, चलते हैं। सामने मेट्रो स्टेशन रहा, भाई एक मेट्रो तो सामने से निकल गई, बैठते बैठते दरवाजा बंद हो गया, दूसरी का वेट करते हैं। मेट्रो चेंज करनी है और टाइम हो गया है 11, पता नहीं मिलती है नहीं मिलती है, देखते हैं। 8 स्टेशन तो आ गए हैं, यहाँ से 4 स्टेशन और रहते हैं, पता नहीं 4 स्टेशन की मेट्रो मिलेगी नहीं मिलेगी। वेट करते हैं और क्या, टाइम हो गया है 11:10, अनाउंसमेंट हो रही है, आखिरी ट्रेन आई है। भाई आखिरी ट्रेन है ये, लक है मेरा मैं पहुंच गया। गाइस मिल गई है मेट्रो। गाइस टाइम हो गया रात के 11:30, मेट्रो से तो एग्जिट ले लिया है, मेरे पीछे मेट्रो है देख सकते हो, ये देखो मेट्रो आई। लेकिन ये नहीं पता इस वक्त यहाँ से बस मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कौन सी मिलेगी, ढूंढता हूँ बस, बताता हूँ आपको कौन सी बस मिली। टाइम हो गया 12:45, जैसे मैं आया बस के वेट में आधी बस भरी हुई मिली मुझे और एक बस मिल गई, मतलब वेट लॉन्ग है बस में, और बस हर तरफ से बंद भी है तो ठंड भी नहीं लगेगी। इस बैग अपना लॉक कर लिया अपने पैर से, अब सो जाता हूँ। गाइस टाइम हुआ है 1:30 और बस अभी कहीं ढाबे पे रुकी है। ओ
पता नहीं कहाँ रुकी है, कौन सी जगह है, किसी ढाबे पे रुकी है कुछ खाने पीने के लिए। मैं तो जाके लेके आया हूँ टकाटक, बहुत टाइम हो गया ये खाए को। मैं डिनर करके भी आया था, इतनी भूख लगी नहीं है। चलती है थोड़ी देर में यहाँ से, और अभी तक की तो ट्रिप खैर बहुत सही जा रही है। मैं सो गया था, अभी बस रुकी है तभी उठाऊँ। मुश्किल से 2.5-3 घंटे का सफ़र और बचा होगा, वो भी आराम से सोते सोते निकल जाएगा। गाइस पीछे मेन रोड पे तो जाम लगा हुआ है, यहाँ बसेस रुकी हुई हैं सारी। पता नहीं भाई जाम में फंस ना जाएं, कितना लंबा सफ़र हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। और भाई बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे, कुल्लड़ वाली चाय भी मिल रही है, मूंगफली है, मिल्क केक है, खाना है, खाने का तो सब कुछ है ही। और भाई कल का व्लॉग मिस मत करना, कल का मतलब जो भी इससे अगला व्लॉग आएगा वो मिस मत करना, क्योंकि वो एक फैमिली ट्रिप होने वाली है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ ली हैं, रास्ता अच्छा कट जाएगा। टाइम हो गया रात के 3, नींद नहीं आ रही है, तो ड्राइवर अंकल के साथ आगे बैठ गया था, थोड़ी बातें वोते मार रहे। अंकल हल्द्वानी से ही हैं, कितनी देर लगेगी अंकल अभी? लगी जाएगा, जाम देख लो, जाम बहुत है। मतलब 2 घंटे? वो काफ़ आधे घंटे लगेंगे। अच्छा आज भाई जाम है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, देखते हैं कब पहुँचते हैं। गाइस टाइम हो गया सुबह के 6 और फाइनली पहुंच गया हूँ मैं अपने घर। चलते हैं जल्दी से। बस गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा क्यों कर रहा है? देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर तो प्यार से बात करो इससे, मतलब प्यार से अगर बिहेव करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हल्का सा भी गुस्सा करो तो भाई ऐसे रिएक्ट करता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। हैं? जब देखो गुस्सा देखो गुस्सा। अच्छा नहीं, गुस्सा रहा, हट मारूं। अच्छा नहीं, आ जा बस बस कर, चल चल बस बस। रात को मैं पहुंच गया था, होप करता हूं आपको ये छोटा सा जर्नी व्लॉग पसंद आए। और आज से ट्रिप शुरू हो रही है, फैमिली ट्रिप, पहाड़ों पे जा रहे हैं घूमने, भीमताल या नैनीताल जहाँ भी जाते हैं, आपके आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ये चीज़ें मिस मत करना, ये चीज़ें नेक्स्ट लेवल होती हैं। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद। ऑन फायर, अगर आज ज़रूरत लगी तो जलाएंगे इसे, लकड़ियाँ लाके ऊपर से, लकड़ियाँ तो मिल ही जाती हैं ऊपर पहाड़ी पे, बहुत ही लकड़ियाँ हैं।